हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1-5 ऑफ मैच पार्क ब्रिटानिका लर्निंग बुक 8th रिवाइज एडिशन। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सबट्रैक्शन। सो हमने सक्सेसिव सबट्रैक्शन के साथ इनके फॉलोइंग नंबर के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट है 36। सो 36 में से हमने माइनस करने हैं ऑड नंबर, सो ऐसे सक्सेसिव सबट्रैक्शन हो जाता है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 1 के साथ। 36 माइनस 1 इज इक्वल 35, 35 माइनस 3 इज इक्वल टू 32। अब हमने 3 लाया, उसके बाद हम लाएंगे 4। हमने सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स लाने हैं, ऐसे नहीं है कि हम कोई भी रैंडम ऑड नंबर्स ले सकते हैं, बट हम ऑड नंबर्स जो लेंगे वो कंजेक्टिव होंगे, यानी जैसे कि 1, 3, 5 एक दूसरे के बाद आने वाले, बीच में इवन आएंगे, उनको हमने नहीं लेना है। अब 32 माइनस 5 किया जो कि आगे 27, 27 माइनस 7 किया जो कि आगे 20, 20 माइनस 9 किया जो कि आगे 11, 11 माइनस 11 के जो कि आगे 0। सो यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन हुई है वो हुई है 6 बार। सो देयरफॉर 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। सेकेंड 81। सो 81 में से सबसे पहले 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80, 80 माइनस 3 इज इक्वल टू 77, 77 माइनस 5 इज इक्वल टू 72, 72 माइनस 7 इज इक्वल टू 65, 65 माइनस 9 इज इक्वल टू 56, आगे 56 माइनस 11 इज इक्वल टू 45, 45 माइनस 13 इज इक्वल टू 32, 32 माइनस 15 इज इक्वल टू 17, 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सो अब वी सब्ट्रैक्ट 9 टाइम, हमने 9 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, सो 81 के स्क्वायर रूट आ जाएगी 9। थर्ड पार्ट 64। सबसे पहले हमने 64 में से माइनस किया 1, अब बन गया 63। सो 63 में से अब हमने माइनस किया 3 जो कि आ गया 60, 60 माइनस 5 किया जो कि आ गया 55, एंड 55 माइनस 7 किया जो कि आ गया 48, 48 माइनस 9 39, आगे 39 माइनस 11 28, 28 माइनस 13 15, 15 माइनस 15 0। वी सब्सट्रैक्टेड 8 टाइम्स, सो हमने 8 टाइम्स सब्सट्रैक्ट किया, सो 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8। आगे है फोर्थ पार्ट 16। सो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो हमने 16 को 4 बार सब्सट्रैक्ट किया, सो 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग वंस एंड टेंस डिजिट। सो हमने वंस और टेंस डिजिट का यूज़ कर नंबर फाइंड करने हैं। ए पार्ट 1764। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर यानी जो वंस वाला नंबर होगा उस पर ध्यान दिया। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन इसको साथ में इसलिए किया हुआ है क्योंकि उससे आप सभी को पता चल जाएगा कि 8 और आता है 2 के यानी स्क्वायर पे। सो हमने ये वाला नंबर देखा, इसका स्क्वायर रूट देखना है। सो 4 जो अगर हम देखें वंस डिजिट वाला नंबर, सो ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है? सो हमें जो गेस आते हैं वो होते हैं 8 और 2, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर एंड होता है 4 से। अब हमने ये लिख लिया, अब हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया साइड में। अब हमने लिए जो फर्स्ट वाले 2 नंबर्स थे, उनको लेने के बाद उससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि 17 से छोटे 16 है, क्योंकि 17 तो है नहीं है एंड 15 भी नहीं है, 16 है क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। सो टेंथ डिजिट तो पक्का 4 ही है। अब देखो, या तो हमारा आंसर आएगा 48 या हमारा आंसर आएगा 42। आगे हम लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू 48 बिकॉज 48 इज़ नॉट इक्वल टू 1764। अब ये मैंने कैसे लिखा, सो देखो ये तो कैलकुलेशन जो हम हमारे माइंड में कर लेते हैं जो कि आपको बड़े होकर आएगी, बट अगर आप इसको इजी मेथड से करना चाहते हैं, आपने अब तक कर लिया है एंड आपको नहीं समझ आ रहा कि वंस प्लेस पे क्या आएगा 8 या 2, सो आपने मल्टीप्लाई कर देख लेना है। आपने साइड में पेन लेना है एंड आपने जो नोटबुक या रफ शीट पर साइड में करके देख लेना, जैसे कि 48 इंटू 48 करके देख लेना है। सबसे पहले 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा 64, सो आपने 64 कर, एंड 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा 32, 32 प्लस 1 33, एंड यहाँ पर आपने डाला क्रॉस, एंड उसके बाद 4 इंटू 8 32, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 19, 19। सो अब हम ने इसको प्लस कर देना 4,
फाइव, ट्वेल्व, यहाँ पर टू आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा टू. सो हमारा आंसर आ जाएगा 2254 एंड ये बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है 1764 से. सो आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे ही आपने वी पार्ट कर देना 1444. उससे पहले हमने फर्स्ट नंबर देखा जो वंस पे था फोर, अब ये आता है या तो एट पर या टू पे जैसे कि ऊपर वाले में था. सो अब आपने देखा जो इन दोनों को साइड में रखकर वंस और टेंस वाले को, इन दोनों का नंबर्स को लेकर, सो 14 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो होता है 9. सो टेंस डिजिट आ जाएगा 3, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है. सो नंबर 38 आएगा, क्योंकि अगर हम 32 इंटू 32 कर कर देखें सो वो छोटा आ जाएगा इस 1444 से. सी पार्ट 3025. सो इसमें सबसे पहले हमने 25 के ऊपर ध्यान दिया. सो ऑनली एक ही नंबर है जिसका स्केयर 5, जिसका स्केयर 5 से एंड होता है एंड वो है 5. वन डिजिट आ जाएगी 5 एंड उसके बाद हमने देखा 30, इन दोनों को साइड में रखकर 30 देखा. सो 30 से छोटा जो परफेक्ट स्केयर आता है वो होता है 25 एंड 25 का स्केयर रूट होता है 5. सो टेंथ डिजिट भी आ जाएगी 5 एंड हमारा नंबर होगा 55. आगे है डी पार्ट. देखो यहाँ ऐसे भी नंबर आप सभी को आ जाते हैं. डी पार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी नंबर्स आप सभी को आ सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर आपको वन डिजिट में एक ही नंबर दिया हो. सो अब आगे डी पार्ट 4761. अब इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, वन देख लिया. सो वन या तो 9 या 1, वन डिजिट यही होगी क्योंकि 9 का जो स्केयर होता है वो होता है 81 एंड 81 का वन डिजिट होता है 1 और 1 का भी स्केयर होता है 1. सो इन दोनों में से एक आएगा एंड 47 जो हमारा ये वाला नंबर है 47 से छोटा है 36, 47 से छोटा है 36 इसलिए टेंथ डिजिट आ जाएगा 6 क्योंकि 36 का स्केयर रूट है 6. अब नंबर आ जाएगा 69. नंबर 69 इसलिए आएगा क्योंकि अगर हम 61 इंटू 61 करके देखें सो वो 3600 कुछ लाइक 1 आ जाएगा. सो आगे है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. सो अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं. फर्स्ट नंबर हमें दिया गया 3844, इसको हमने डिवाइड किया एंड उसके बाद यहाँ पर, यानी डिवाइड नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन की एंड उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 2 एंड 31 इंटू 31. सो यहाँ पर हमने दो पेयर्स बना लिए, एक तो 2 एंड 2 का एंड एक 31 इंटू 31 का. सो ये बनाने के बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. पेयर बनाने का वो एक ही नंबर बन जाएगा, 2 इंटू 31 किया 62. सो ये 62 का स्क्वायर है. अब आगे बी पार्ट 5625, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की एंड यहाँ पर आ गया 5 × 5 × 5 × 5 × 3 × 3. सो इसके थ्री पेयर्स बना लिया, 5, 5 और 3, 5 × 5 × 3. सो ये आ गया 75. आगे सी पार्ट 6561. सो इसको हमने इसके 9 के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन होगी एंड यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 9, 9 × 9 हो जाएगा 81. डी पार्ट है 7056. सो यहाँ पर 7056 की सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की एंड उसके बाद इन इसके सारे पेयर्स बन चुके थे, इनका एक एक नंबर लिखा, 2 × 2 × 3 × 7 ये आ गया एंड उसके बाद हमने इन सभी को किया मल्टीप्लाई जो कि आ गया 84. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इन अ गार्डन अ फार्मर प्लांट्स 9 to 16 सैपलिंग इन रोज टू फॉर्म अ स्क्वायर, फाइंड द नंबर्स ऑफ सैपलिंग्स इन ईच रो. सो देखो रोज और कॉलम, अब जब रोज बनेंगे सो कॉलम भी उतने ही बनेंगे, इसका मतलब है कि वो स्केयर ही बन रहे हैं जो कि हमें बताया हुआ है. सो स्केयर बनाने के लिए स्केयर रूट निकालना पड़ेगा. 9 to 16 प्लांट्स है सो अगर हम उसका स्केयर रूट निकाल देंगे सो हमें पता चल जाएगा कि एक रो में कितने सैपलिंग्स होंगे. सो हमने उसका स्केयर रूट निकाल दिया जो हमारा सिंपल मेथड होता है स्केयर रूट निकालने का. अगर आप सभी को स्केयर रूट नहीं निकालना आता है सो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा वीडियो का, वहां पर जाकर आप स्केयर रूट निकालना सीख सकते हैं. सो 9 to 16 इज इक्वल टू 96 किया जाएगा. एंड अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15 एंड 20. सो हमने लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन सभी नंबर से, जो कि है 8, 12, 15 एंड 20. सो देखो सबसे पहले क्या होगा कि हमने एलसीएम निकाल देना है इन सभी नंबर्स का. एलसीएम निकालने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो जैसे कि यहाँ पर आया है 120. अब 120 आने के बाद हमने उसको करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन. सो अब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है एंड उसमें आपने देखे हैं पेयर्स किन के बन रहे हैं. सो यहाँ पर नहीं बन रहे हैं वो हैं 2, 5 और 3 के. अब
टू फाइव और थ्री पहले से ही 120 में है। अगर हम 120 में एक बार दोबारा से इन तीनों को कर दें तो इनके पेयर बन जाएंगे, यानी ये डबल हो जाएंगे। टू एक बार दोबारा से आ जाएगा इसका पेयर बन जाएगा, फाइव एक बार दोबारा से आ जाएगा इसका पेयर बन जाएगा, एंड वैसे ही थ्री के साथ। सो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सो टू इंटू फाइव टेन, टेन इंटू थ्री थर्टी। अब थर्टी को मल्टीप्लाई कर देने 120 के साथ जो कि आ जाएगा 3600।